जो भी नाम तुमको समझ में आए। वेलकम टू माई YouTube चैनल गाइस। आज बहुत टाइम बाद मैं राइड पे निकल गया हूँ और आज बहुत लेट हो गया। वैसे जनरली मेरे को लेट ही हो जाता है, तो आज मैं जा रहा हूँ भिलाई और अपन कुछ फंक्शन अटेंड करेंगे, उसके बाद फिर अटेंड करना है और उसके बाद फिर कल कुछ और काम है। तो ये दो दिन का राइड रहेगा और टाइम काफ़ी हो चुका है और मैं लेट हो गया ऑलरेडी। मेरे को लगता है पाँच सुबह से रात हो जाएगा और अभी ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं शाम के। सुबह से निकलना था, काफ़ी सारे काम थे जो मैं निपटा नहीं पाया था और धीरे धीरे करके मैं निकल ही गया। तो फाइनली अब मैं हाईवे पे हूँ और ये अपनी ब्लैक स्पाइडर, अपनी डार्क स्पाइडर, जो भी नाम तुमको समझ में आए कमेंट्स में बता सकते हो। तो फाइनली गाइस मैं राइड पर निकल चुका था और काफ़ी टाइम हो चुका था जैसे मैं तुम्हें बताया, और मैं भी जा रहा हूँ शादी में एक सर के दिन, जो मेरे ऑफिस के मेरे कलीग थे और काफ़ी अच्छे थे, जो मेरे पहले जॉब में मेरा बहुत साथ दिए और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था उनके साथ काम करके। और फिलहाल उनकी आज शादी है तो मैं उसी के लिए जा रहा हूँ, बारात में जा नहीं पाया। तो फाइनली मैं रिसेप्शन अटेंड करने के लिए आज निकल ही गया हूँ। पहले मैं जाऊँगा भिलाई, देन जाऊँगा रायपुर दूसरे दिन, अगर कुछ काम रहा तो अपन वहाँ से निपटाते हुए निकलेंगे और दादा से भी मिलना है, और हो सकता है बिलासपुर भी थोड़ा काम हो, पर देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो पहुँचते हैं पहले भैया। ये हाईवे का सुंदर सा नज़ारा तो काफ़ी मस्त लगता है जब तुम ओवरब्रिज से नीचे उतरते रहोगे, और ये जो पहाड़ का नज़ारा है काफ़ी खूबसूरत सा है। मैं जब भी जाता हूँ यहाँ थोड़ी गाड़ी स्लो करके ही चलने की कोशिश करता हूँ, पर रोड इतनी बढ़िया है कि मैं स्लो नहीं कर पाता। तो वही खाल से मैं वीडियो बना रहा था, इस वजह से मैं थोड़ा सा ऊपर चेक किया, बाकी काफ़ी मस्त जगह है। खूबसूरत सा नज़ारा है यहाँ पे और मैं पहुँचा हूँ बिलासपुर और ये ब्रिज हिल रहा है। बिलासपुर से निकलते काफ़ी टाइम हो चुका था मुझे और मैं थोड़ा रुकते हुए जा रहा था हाईवे पे, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था और वेदर भी बढ़िया था। काफ़ी लंबी राइड के बाद मैं पहुंच चुका था फाइनली दुर्ग, और दुर्ग की सड़कें काफ़ी चेंज हो चुकी है और इस सड़कों में मेरी कुछ पुरानी यादें हैं जो मैं तुम्हें कभी बताऊंगा। और कुछ दूर पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि मैं पहुंच चुका हूं शादी वाले घर, और जस्ट सामने ही रिसेप्शन था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे जाना नहीं पड़ेगा। फिर मैं गया स्टेज पे और सर से मिला, और सर ने अपने शादी के साथ में बर्थडे का भी खर्चा बचा लिया क्योंकि उसी दिन उनका बर्थडे भी था, तो वो भी सेलिब्रेशन हुआ और उसके बाद फिर अपन थोड़ा इन्जॉय कर रहे थे। शादी इंजॉय करने के बाद अपन एक ड्रोन शॉट लिया बढ़िया सा और काफ़ी मज़ा आया। और ये सब ख़त्म होने के बाद मैं निकल गया भिलाई घूमने सोलो ही, और मैं पहुंचा हाईवे जहां से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं और काफ़ी मज़ा आता था। पहले जब मैं यहाँ रहता था तो यहाँ घूमा करता था, नाइट आउट किए करते थे, पर बहुत सारे नाइट राइड किए अपने। मुझे प्यास लगी, मैं पानी लेने आया और मुझे पानी नहीं मिला, सर लोग मिल गए जो कि सामने जा रहे हैं। फिर मैं उनके साथ गया अपना सामान लेने और अपने कॉलेज को एक नज़र मारते हुए वहाँ से मैं निकला, पुरानी यादें यहाँ की भी। फिर मेरे कॉलेज का हॉस्टल जहाँ के टावर पे अपन सोया करते थे इसी में। तो आज के राइड में अपन बस भिलाई का भ्रमण किया और पुरानी यादें ताज़ा किए। तो तुमको कैसा लगा भिलाई का इस कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और मैं काफ़ी थक चुका हूँ तो अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा, फिर सुबह निकलूँगा रायपुर के लिए। तो नेक्स्ट ब्लॉग इसके बाद आएगा, तब तक बने रहना।